सितम का हद से बढ़ जाना तबाही की निशानी है। बदलते हैं सभी के दिन, पुरानी ये कहानी है। जोहार झारखंड, नमस्कार लाइव इंडियन गार्ड से, मैं केतकी। तो सबसे पहला सवाल दर्शकों के लिए, 2024 में क्या बदलेगी झारखंड की सूरत? अब मामले को थोड़ा हल्का करती हूँ। मौजूद हूँ धनबाद के सेलिब्रेशन रेस्टोरेंट में। कुछ जाने पहचाने चेहरे हैं हमारे साथ, बेहतर झारखंड की बात करने वाले चेहरे हैं। हमारे साथ हैं मयूर शेखर जी। लोगों को ये कांग्रेसी के रूप में भी लोगों के बीच ये पहचाने जाते हैं, लेकिन फिलहाल धनबाद की सड़कों पर इनके पोस्टर्स जो हैं वो बेहतर झारखंड का संदेश देते नज़र आ रहे हैं। अचानक से पोस्टर्स की संख्या बढ़ गई है और हाँ, इनका काम भी कुछ ज़्यादा नज़र आने लगा है। आज हर बात पर बात होगी, हर बिंदु पर बात होगी और बात होगी कि आखिर कैसे बनेगा झारखंड बेहतर झारखंड। सबसे पहले स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मयूर जी। सबसे पहले तो आज के ऑक्सीजन के बारे में जानना चाहूँगी, ये जो रक्षाबंधन उत्सव रहा, कैसा रहा, कैसी फीलिंग्स है? देखिए, मेरे कुछ युवा साथी हैं, रोहित जी हैं, अंकित जी हैं, नवाजेश जी हैं और नितेश जी हैं। ये लोग अभी कुछ दिनों पहले मेरे घर पर आए थे और इन लोगों से एक चर्चा हो रही थी मेरी कि लड़कियों का पार्टिसिपेशन, खासकर कॉलेज की लड़कियों का पार्टिसिपेशन पॉलिटिक्स में कम क्यों होता जा रहा है। तो उन्होंने कहा था कि एक बहुत बड़ा चीज़ जो हम लोगों ने, ये सारे NSUI के लड़के हैं, तो इन लोगों ने कहा था एक चीज़ जो हमने ऑब्जर्व किया है वो ये किया है कि लड़कियों का भरोसा भारत की, मतलब ये पार्टी की बात नहीं है, भारत की पॉलिटिकल क्लास पर से लड़कियों का भरोसा उठता जा रहा है। और ख़ासकर धनबाद की तो पॉलिटिकल क्लास लड़कियों के और छात्रों के मुद्दों को लेकर कितनी उदासीन रही है, ये बात किसी से छुपा नहीं है। तो मैंने कहा ये थ्योरी, ये मतलब ये बेसिस इसका गलत है। मैंने कहा यार, मयूर शेखर झा आएगा जाएगा, राज सिन्हा आएगा जाएगा, लेकिन आपका भरोसा भारत के संविधान पर से नहीं उठना चाहिए, आपका भरोसा भारत के लोकतंत्र पर से नहीं उठना चाहिए और आपका भरोसा भारत की राजनीति पर से नहीं उठना चाहिए। एक सेइंग है अंग्रेज़ी में कि व्हेन पॉलिटिक्स डिसाइड्स योर फ्यूचर, यू मस्ट डिसाइड व्हाट योर पॉलिटिक्स नीड्स टू बी। एवरी पर्सन, हर व्यक्ति को अपनी राजनीति डिसाइड करने का अधिकार है, हर व्यक्ति को अपनी राजनीति डिसाइड करनी ही चाहिए, क्योंकि वो राजनीति ही है जो आपके भविष्य को डिसाइड करती है। तो राजनीति से उदासीन मत होइए, राजनीति आपसे चाहे जितना भी उदासीन हो जाए, अगर आप राजनीति से उदासीन हो जाएंगे तो आप अपने आने वाले पीढ़ियों के लिए गलत संदेश देकर जाएंगे और अपने आने वाले पीढ़ियों की मुश्किलें आप और ज़्यादा बढ़ा कर जाएंगे। तो अब ये विश्वास को वापस कैसे स्थापित किया जाए? तो मैं एक प्रैक्टिसिंग हिंदू हूँ और मेरे धर्म में इस धागे का बहुत बड़ा महत्व है। तो इस धागे को, अपने आस्था के प्रतीक इस धागे को लेकर मैं आज अपनी बहनों के बीच आया हूँ और कहा हूँ कि मुझ पे नहीं भरोसा करती हो, पर मेरे आस्था पर भरोसा करो। ये धागा जो तुमने मुझे बांधा है, अगर तुम्हें लगता है कि कभी भविष्य में तुम्हारे भाई के कदम लड़खड़ा रहे हैं, तो इस धागे का वास्ता देकर तुम अपने भाई को कटघरे में लाकर ज़रूर खड़ा करो, उसका कॉलर पूछ के उससे सवाल पूछो, लेकिन राजनीति के प्रति उदासीन मत हो। अच्छा, बहनों ने जो ये धागा बांधा है, मयूर शेखर जी को बांधा है या एक कांग्रेसी को बांधा है? मयूर शेखर को बांधा है। आज मैं इनका भाई बनकर यहाँ पर आया हूँ और मैं जब राजनीति की बात करता हूँ तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि तुम कांग्रेस को वोट दो, तुम भाजपा को वोट दो, तुम जयराम महतो को वोट दो, तुमको जिसको वोट देना है वोट दो। राजनीति के प्रति उदासीन मत हो, अपनी राजनीति की एक विचारधारा रखो, अपना एक राजनीतिक प्रेजेंस रखो यहाँ। वो उस बारे में मैं बात करने आया हूँ। एक बात और, कुछ दिनों से देखा जा रहा है धनबाद में जब फ्लाईओवर्स के ऊपर जा रहे होते हैं लोग, तो आपके चेहरे बड़े नज़र आ रहे हैं। क्या चुनाव की प्लानिंग है या कुछ बदलना है? दो चीज़ें, चुनाव लड़ना है, यह बात मैंने किसी से छुपाया तो है नहीं। मतलब मेरे ख्याल से मैं इकलौता राजनीतिक व्यक्ति होगा जो जहाँ हर मंच पर कहता है मुझे चुनाव लड़ना है। मैं यहाँ लोगों के बीच, यहाँ पर जहाँ तक आप अभी की बात करें तो मेरे होर्डिंग्स, और ये मैं कई बार लोग मुझे कहते हैं कि धनबाद में सबसे ज़्यादा मेरे होर्डिंग्स दिखते हैं, हमेशा दिखते रहते हैं। मतलब वो ऐसा कोई दुर्गा पूजा नहीं होता है कि मेरा होर्डिंग नहीं दिखे, ऐसा कोई नया साल नहीं होता है। तो मेरे ख्याल सबसे ज़्यादा 5 साल जब और किसी का होर्डिंग नहीं दिख रहा था तो सबसे ज़्यादा दिखने वाला होर्डिंग जो है वो मेरा हुआ करता था। कोरोना काल में जब यहाँ के सब तथाकथित समाजसेवी और नेता अपने घरों में बंद थे, उस समय भी सबसे ज़्यादा जो है फूड वैन दिख रहा होगा तो मेरे होर्डिंग के साथ दिख रहा होगा, और सबसे ज़्यादा अगर उसमें भी कम्युनिकेशन दिख रहा होगा तो मेरे नाम का कम्युनिकेशन दिख रहा होगा। सड़कों पर उसमें भी अगर कोई नेता आपको दिख रहा होगा तो मयूर शेखर झा दिख रहा होगा।